तो उसमें मैं ये लोगों को कहता हूँ कि जी दोनों पेरेंट्स और जो आपके टीनेजर्स हैं या जो बच्चे इनके इश्यूज हैं वो सब आएंगे, नहीं आएंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं करना सचिन, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है ना। अच्छा, फिर उनको जब एक दूसरे के सामने प्रोज एंड कॉन्स पता चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे, मैं आपको एक बड़े अफसोस के साथ ये बात बताने जा रहा हूँ, मैं दुबई में ये सेशन करता था, मेरे पास हमारे हमसाया मुल्क से ठीक ठाक पेरेंट्स और बच्चे आते थे, पूरे सेशन में अगर 100 बंदा बैठा है ना तो पाकिस्तानी फैमिली एक या दो होंगी। ठीक है, यहाँ आके मैंने ये सेशन अनाउंस किए हैं, एक बंदा भी आज तक नहीं आया पिछले 2 साल में। हमें पेरेंटिंग सिखाओगे? तो ये हमारी अना है ना, ये हमारी अना को बहुत ही कोई एक और ही लेवल पर जा चुकी है। ठीक है, सो वो जो बच्चे जब बाहर जाकर, वो जो आपका सवाल था ना उसका जवाब इस तरह से है कि जब वो बच्चे बाहर जाकर दूसरी जगह देखेंगे और उनको नॉलेज होगा सही और गलत का, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली दे विल नो वेयर टू ड्रॉ अ लाइन। फिर भी अगर कोई आगे जाता है तो फिर ये उसकी अपनी, फिर उसकी अपनी सब। मैं इसको यहाँ रेडियो एफएम 98.2 कहने लग जाऊँ, ठीक है, तो वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं क्या नाम दूँ इसे। ठीक है, तो ये बच्चों के साथ हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका कैरियर नहीं बन सकता तो आपकी फैमिली कैसे बन सकती है? मेरा मैसेज तनित यूएमटी के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे और वैसे भी तमाम स्टूडेंट्स के लिए, लिसनर्स के लिए जो है ना, वो ये होता है, अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी। मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मैं इस चीज़ का इतना बड़ा कायल हूँ और मैं इसकी ज़िंदा मिसाल हूँ। ठीक है, मुझे आपने जिस दिन अपने आप से दोस्ती कर ली उस दिन आपको दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता। सो पहले अपने आप से दोस्ती करें। सेल्फिशनेस में और दोस्ती में फ़र्क है। सेल्फिशनेस ये है कि आप गरूर में आके, किबर में आके दूसरों को तबाह करें, वो नहीं। दोस्ती का मतलब ये है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को जानें एंड इन्वेस्ट इन गेनिंग नॉलेज। फॉर राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, चिल्ड्रन आर स्पेंडिंग टाइम इन एजुकेशन एंड डूइंग थिंग्स विच आर नॉट यू नो गिविंग देम दैट नॉलेज बट ओनली मनी। सो ये एक मेरा पैगाम है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज।